पैसे कुठच्याही क्षेत्रामध्ये जा, परंतु इतकं मोठं बघा, ज्या वेळेला तुम्ही उभं राहाल कोणी बसलेला नसेल. आणि सावळा मैदानामध्ये सगळ्याच प्रकारे हेमंत तेलटकर यांना या ठिकाणी इस्त्री आणि टीव्ही हे प्रदान केलं जात आहे. या सोनीपत सुनील पवार यांच्या शुभस्ते या ठिकाणी इस्त्री आणि टीव्ही या ठिकाणी त्यांना प्रदान केलं जात आहे. धन्यवाद. ओके ओके मॅच चालू. पिछले फायदे के दरमियान फायर एक्सप्रेस और पावर हीटर्स के बीच में मुकाबला चलता था और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जीता है. मोइन भाई पावर हीटर सीम ने यहाँ पर टॉस जीता, पहले जो है फील्डिंग करने का प्रयत्न किया और फायर एक्सप्रेस टीम को कहीं ना कहीं धन्यवाद के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है. और जरूरत होगा इसी सफल होने के बावजूद भी एनएचडी दिखेवाड़ी में की दर्शक जो है अभी भी इंतजार में ये फाइनल का मुकाबला अच्छा होगा. टॉस जरूर जीता पावर हीटर सीम ने और यहाँ पर पहले फील्डिंग करने का प्रयत्न लिया है. गोलंदाजी मात्र दाखल होतोय, तो मात्र मोहित कशा प्रकारचं इथे मात्र षटक असेल ते याकडे लक्ष असेल. अंतिम सामना निवडण्यात देवतेवाडी आयोजित केले इथे कपोल जाते. अंतिम सामन्यासाठी मात्र पंतचा इशारा इथे जाऊ वाईट बॉल, इथे मात्र वाईट बॉल घोषित केला जातोय. पहिला चेंडू अतिरिक्त फेकला गेलाय. या सामन्यामध्येही आपल्याला पाहायला मिळणार आहे पहिल्या चेंडू पासून अतिरिक्त धावा मोजल्या जात आहेत. अतिरिक्त धावा मागील सामन्यापर्यंत डोकेदुखी ठरते प्रत्येक संघासाठी. जरूर आज के दिन का पहला सुपर ओवर का मुकाबला जिस तरीके से रहा, जिसमें उनका सामने ने चौका छक्के में मैच को फिनिश किया था भाई साहब, आज के इस दिन में ग्रैंड फिनाले मुकाबला आपको जरूर देखने को मिलेगा. इसमें कोई दोहराया नहीं, अब तक तो दोनों में टीमों का सफर शानदार है. एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, ग्रुप ए की दोनों भी टीमें फाइनल में दस्तक दे चुकी है, जिसमें एक्सपर्ट की टीम है और पावर हीटर्स की टीम है, ये दोनों भी ग्रुप ए की टीम है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों को एक के साथ खेलने का मौका फिर से एक बार मिल चुका है. नक्कीच सर, पहिले गेल तर एका गटातून एकाच अंतिम सामन्यामध्ये आपण पाहतोय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळत आहे. अंतिम सामन्यामध्ये महत्वाच्या सामन्यामध्ये प्रयत्न जरूर केले जाईल. मोहित चार धावांसाठी या चार धावांची धाव संख्या आता जाऊ पोहोचते सात या आकड्यावर. जरूर क्या कमाल का दौड़ा यहाँ पर लगा है. पिछले मैच में धनाथ के रूप में विकेट गिरा था, लेकिन इस बार उस गलती को दोहराना नहीं चाहते. वो कह रहे कि बड़े ये तो लंबी रेस का घोड़ा है. मैं कहूंगा जितने भी बड़े मुकाबले होंगे उतने ही इनका प्रदर्शन शानदार होता चला जाएगा और वही यहाँ पर गौरव सूद अपने बल्लेबाजी में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. नक्कीच सर, पहिले गेलं पुन्हा एकदा रॅन्सी डाऊन विकेट खेळले तर जरूर जाण्यावरती पंचाचा इशारा किती आकडे लक्ष असेल की किती मात्र पंच थोडंसं वेळ जरूर घेतील. किती पंच एकत्र येतील का ते मात्र दोन पंच एकत्र येताना पाहायला मिळतात. पैकी अजून पाहायला मिळाली तर मात्र यष्टरक्षकाने आपलं काम जरूर पूर्ण केलं गेले, परंतु फलंदाज कोणत्या स्थितीमध्ये असेल त्यावर निर्भय असेल. पहिले तर एक पूर्ण केली गेली आहे, धावसंख्या एक ने भर पडली. धावसंख्या पहिली तर आतापर्यंत आठ धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. या सामन्याची चुरस पहिल्या षटकापासून पहिल्या चेंडू पासून अंतिम चेंडू पर्यंत जरूर पाहायला मिळेल. नक्कीच प्रथमेश, कारण का धोनी हे नामवंत संघ आहे, धोनी संघामध्ये नामवंत खेळाडू देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. तर या अंतिम लढतीमध्ये निश्चितच विजयासाठी खूप प्रयत्न केले जातील.
अंतिम विजेता बनण्यासाठी प्रत्येक चेंडूवरती झगडताना दोन्ही संघ दिसलेले. यावेळेला काय करताय कुठचा चेंडू देखील आहे जर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने चांगला चेंडू अडवला असता तर निश्चितच हर्षदेला माघारी परतावं लागलं असतं आणि निश्चितच कुठेतरी झालेली चूक फलंदाजाला एक जीवंत ज्ञानाचं कार्य करते मैदानामध्ये. नक्कीच सर, पाहिले गेले तर शॉर्ट सिलेक्शन केल्यानंतर चेंडू अडवला गेला होता परंतु चेंडूचं फंबल झालं तिथे कुठेतरी ब्रेक लावला गेला तो हर्षदच्या माध्यमातून नॉनस्टॉप गाडी इथे मात्र नॉनस्ट्रायकिंग एजच्या दिशेने थांबवायची होती परंतु मध्येच ब्रेक लावल्यामुळे कुठेतरी अडचणी निर्माण जरूर झाल्या असत्या. परंतु मोहित आतापर्यंत चांगला षटक आता तो मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. बॅटची आतली कडा घेतली पंधरा मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं गेलं थोडासा धोका निर्माण झाला असता परंतु पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित प्रदर्शन इस फाइनल में भी करना चाहेंगे. इसका मतलब यह है कांटे की टक्कर वाला ही मुकाबला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़कर खेल रहे हैं, उनको बताया पहले पहले बात कर रहे हैं तो हर ओवर में एक लंबा स्ट्रोक यहाँ पर जो है जरूर लगाना होगा, वही कोशिश यहाँ पर करेंगे. और इस समय आते हुए गेंदबाजी के लिए विराज कदम जिन्होंने पिछले मैच में क्या कमाल की बारी खेली थी वही विराज कदम इस समय दूसरी ओर की पहली गेंद करेंगे. बैक ऑफ द हैंड से यहाँ पर गेंद की है, एक रन यहाँ पर दौड़कर पूरा करते हुए रन संख्या बनेगी 11 रन 11 अकरा धावा स्कोर काढून जरूर पाहायला मिळतात परंतु विराज कदम याच्यावर थोडस लक्ष असेल कारण आजच्या दिवसातील पहिली सेमीफायनल खेळत असताना चांगला खेळ याच्या माध्यमातून झालाय. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याला मिळाला, मोठ्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब मिळत असताना आत्मविश्वास वाढलेला असतो परंतु इथे मात्र चुकीवर किती धावा मिळतील इथे 2 धावा मिळतील. या 2 धावांची धावसंख्या धावून पोहोचेल आता मात्र 13 या आकड्यावर. एक एक करत धावसंख्या पुढे जाते, अतिरिक्त चेंडूही फेकले जातात परंतु अतिरिक्त चेंडू फेकले जात असताना कमीत कमी जरूर ये बहुत अच्छी बात की, जितने भी गतियां करोगे वो बहुत ही महंगे साबित होंगे और जो सपना आपने देखा है ग्रैंड फिनाले को जीतने का उसको और थोड़ा सा समय आपको लेंगे. 2024 में फिर से एक बार खेलना होगा लेकिन यही वो समय है जो इस ग्रैंड फिनाले को आप जीत सकते हैं. इस बार क्या होगा डायरेक्ट यहाँ पर किया गया है अपील करेंगे लेकिन होगा स्क्वेयरलिंग अंपायर और थर्ड अंपायर यहाँ पर बातचीत करेंगे उसके बाद यहाँ पर निर्णय दिया जाएगा. डिसीजन पेंडिंग और कई ना कई सिर की धड़कने इस समय तेज होगी भी. डायरेक्ट हिट और इस समय बल्लेबाज हर्षद जगाव की ओर बढ़ते हुए थोडासा उशिरा पोहोचला आणि फेकी चांगली झाली होती ती मात्र विराजची एक यश मिळत आहे, यश मिळालंय आणि इथे मात्र दबाव कशा प्रकारचा निर्माण केला जाईल विराजच्या माध्यमातून याकडे लक्ष असेल. राईट ऑफ ग्राउंड विकेट मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न इथे मात्र झाला आहे. जॉनी इथे मात्र चेंडूला घ्यायला असेल19 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरीके से आगे चल रहा है तो यहाँ से 45 रन तो बढ़ने ही चाहिए. दौड़कर एक रन पूरा कर लिया है और रन संख्या बनेगी 102 रनों के साथ 23 रन बचे हुए और सराहना करनी होगी जिस तरीके से नॉनस्ट्राइकिंग के बल्लेबाज को लेकर आसानी को आगे लेकर जा रहे हैं गौरव सूद और अच्छी यहाँ पर जो बैटिंग देखने को मिल रही है. इस बार भी अच्छा शूट था, ग्राउंड शॉट यहाँ पर खेल रहे हैं अराउंड द कार्पेट जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पता नहीं अगर थोड़ी सी भी गलती होती है किसी भी फील्डर द्वारा तो 4 रन बनने के चांसेस बनते हैं और वही यहाँ पर जो है गौरव सूद अपने बल्लेबाजी में बताते हुए कवर की दिशा में देखने को मिली 1 रन की बदौलत रन 25 रन 25 रन लॉस ऑफ 1 विकेट का
आउट होने वाले बल्लेबाज है हर्षवर्धन जो कि रन आउट के रूप में आउट हुए, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार पारी सजाए थे। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो प्रतीक खुडो को थोड़ा सा पीछे रखा है, तो इसके पीछे उनकी कुछ ना कुछ नई गेम प्लान जरूर रहेगी। तो प्रथमेश इस समय अराउंड विकेट ही छोड़ के अगली गेंद करेंगे, लेकिन आप उसे गेंद कीजिए। लेकिन लेग बैच के रूप में एक रन जरूर यहाँ पर बनेगा, रन संख्या बनती गई 26 रन बने प्रथमेश। सव्वीस धा जरी स्कोर कार्ड वर असल्या तरी एक गरी बात पाहायला मिळतं, परंतु प्रथम षटक आता असताना कोणत्या प्रकारचा विकेट विकेट गोलंदाजी करतोय, पुढे जर झगडताना सेवेंद्र पाहायला मिळाला। या गोलंदाजा चेंडू लेपायच्या स्वरूपात पोहोचला गेला, पुढे चेंडू इथे मात्र पुढचा होता एक जरूर पुन्हा केली गेली आहे। इथे जर बॅकअप मिळाला नसताना तर याही चार धाबा जरूर मोजल्या गेली असता, परंतु जंटीवाने पहिलं शिस्त पुढे सरसावलाय, त्याला बॅकअप केलं आणि पुढे गेले 27 धाबा आतापर्यंत। राईट ग्राउंड विकेट पुन्हा एकदा प्रथम षटक आता असताना गौरव सूत समोर असेल, मात्र गौरवच्या माध्यमातून केली जाईल एक चौका आली की मात्र नशिबाच्या साथीने जरूर मिळतो 27 जरूर। अच्छी लाइन में बल्लेबाज कर रहे हैं और कवर करना होता है हर एक खिलाड़ी को, और वही कोशिश इस समय अगर देखा जाए तो देखने को मिल रहे हैं। फायर एक्सपर्ट की होते हैं, इस बार भी एक गेंद को रोकने में कामयाब रहे, तो एक रन लेने में यहाँ पर रहे इसमें कामयाब होते हुए इस एक रन के साथ रन तक कर रहे हैं। स्पर्श करून चेंडू सीमारेषे बाहेर गेला, चार धावा मोठ्या सामन्याचा मोठा हिरो का आहे दाखवून देत असताना गौरव सूत पहिले गेलं विपुल याच्या हल्लाबोल केला जातोय, मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जॉनी चेंडूला गॅदर करेल फेकी करणार नाहीये। एक धाव पूर्ण केली गेली, एक मोठा फटका आला त्यानंतर स्ट्राईक रोटेट करणं महत्वाचं असतं क्रिकेटमध्ये, ते तिथे मात्र गौरव याच्याकडून पाहायला मिळाले। आता मात्र सेवेंद्र कशा प्रकारची फटकेबाजी करतो याकडे लक्ष असेल। आतापर्यंत धावसंख्या पाहिजे तर 33 धावा स्कोर कार्ड पुढे खेळण्याचा प्रयत्न पाहा चेंडू आता चेंडूचा डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी, धावसंख्या आता मात्र 34 या आकड्यावर। पाहिले गेलं तर आतापर्यंत 6 धावा खर्च केले गेले विपुल याच्याकडून 3 चेंडूंमध्ये, येणार 3 चेंडू कशा प्रकारचे असतील विपुल याचे। चौथं षटक मार्गस्थ असताना सेवेंद्र स्ट्रायकिंग गेंडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला आहे आणि इथे मात्र संघासाठी धाव वाचवल्या जात आहेत आणि इथं क्षेत्रक्षण चांगल्या प्रकारे राहिले। चेंडू मात्र जॉटी याची पाठ सोडत नाहीये, धाव संख्या मात्र जाऊन पोहोचेल 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। जरूर बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर गौरव सूद के माध्यम से चल रहा है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का मौका जरूर मिला है, लेकिन उस मौके को शानदार पारी में तब्दील करते हुए नजर आ रहे गौरव सूद। बढ़िया यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल कर रहे हर बार और इस समय टिकली क्षेत्र में गेंद चली गई, एक रन के लिए रन संख्या बनते हुए 36 रन। 36 रन आने वाले 12 गेंद है और 12 गेंद पर कम से कम और 10-15 रन जोड़ने का प्रयास जरूर रहेगा। और फिर एक बार विराज आए हर क्या उसे आप खेला था डायरेक्टली निकलना चाहते डायरेक्ट लेकिन अगर देखा जाए तो एक रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया साझेदारी होते हुए सेवेंद्र इस समय स्ट्राइकिंग पर इस बार आते रन संख्या रुकी हुई 38 रन पर जहाँ पे बड़ी बात है डॉट गेंद आना है कि जो टोटल इसको कम करने के बराबर है। फिर से एक बार बैकअप प्लेयर से यहाँ पर गेंद की थी, जरूर यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी ने कहा कि यहाँ पर सिंगल रन ही देना बहुत ही आसान रहेगा। 39 रन पर अच्छा ओवर विराट का इस समय चलता पाया, लेकिन 4 रन पर मात्र 3 रन बच गए, 2 गेंद अभी शेष है 5वीं ओवर की।
तो देखा जाए तो अब तक रन संख्या बनी है 39 रन। विराट जबरदस्त कारनामा करते हुए अपनी टीम के लिए फिनाले के दरमियान ये फाइनल मुकाबला है। बार अच्छी गेंद थी लेकिन अब चुके काफी बार वाइड प्लस वन दो रन पांच ओवर का फिर समाप्त हुआ है। 43 रन बने हैं और इसमें आखिरी ओवर लेकर आते हुए प्रथम आए हैं व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से छठा और आखिरी ओवर लेकर आए हैं। राउंड विकेट की बाजी करेंगे और सिंह अच्छी फॉर्म में यहां पर नजर आते हुए अच्छा चौक यहां पर खेला। एक रन बढ़िया आसानी के साथ यहां पर भी सभा दोनों सूर के लिए तारीफ करने होगी जिस तरीके से प्रमोट किया अपने आप को इस फाइनल में और ओपनिंग के लिए आए थे। प्रतीक को थोड़ा सा पीछे रखा ये गेम प्लान यहां पर बनाया। कैप्टन की रोल मुझे क्यों कहा जाता है गेम जितने खिलाड़ी क्यों कहा जाता है ये अपने खेल में बताते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद थी लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो गेंद रुकने में कामयाब हुए हैं। लाइनमैन वहां पर थे उन्होंने कहा कि गेंद को सेफ यहां पर किया है तो गॉड गेंद यहां पर समाप्त होती हुई रन संख्या अभी भी रुकी हुई 44 रनों पर। अंतिम षटक मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केले जाते अजूनही चार चेंडू शिल्लक असतील या सत्रातील कशा प्रकारे पेस केले जातील याची मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू जातो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये धावसंख्या आता मात्र 45 आकड्यावर पाहायला मिळते। पहिली गेंद 50+ धावायची मात्र विनर तीन चेंडूंमध्ये जर चौकार लागवला गेला तर भूषण भोसले याच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज मात्र लावलं गेले। तीन चेंडू शिल्लक असतील कशा प्रकारची फटकेबाजी इथे मात्र दोन्ही फलंदाजांनी कोडी केली झाली याकडे लक्ष असेल। रेटर ग्राउंड लोकेट मोठा फटका खेळता प्रयत्न येते मात्र थोडासा साथ पडला फटका खेळल्यानंतर पायामध्ये चेंडू राहिला तो शोधत असताना तोपर्यंत कोणत्या प्रकारची धावाही घेतली गेली नाही चेंडू तिथं पाहायला मिळाला। प्रथम विषयाला चौथा पाच सहावं षटक आचरण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलं एक चेंडू पहिली गेंद पहिला चेंडू एका धाव्यासाठी मोठा गेला दुसरा चेंडू नेला तिसरा चेंडू एका धाव्यासाठी चौथा चेंडू नेला पाचवा सहावा चेंडू कशा प्रकारचा असेल याकडे लक्ष असेल। आता फक्त दोन धावा खर्च केले गेले अंतिम षटक आचरण्यासाठी का आमंत्रित केले गेले हे इथे मात्र दाखवत असताना मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पंचामध्ये क्षेत्ररक्षण चेंडू नेला आपल्याला पाहायला मिळतो धावसंख्या स्थिरावली आहे ती मात्र 45 आकड्यावर। अंतिम चेंडूवर किती धावा जमवल्या जातील एनएजी कप 2023 ग्रँड फिनाले फायर एक्सपर्ट विरुद्ध पॉवर हिटर्स आपण पाहतोय। पहिले पहिले गेलं तर पहिल्या इनिंग मध्ये येईल अंतिम चेंडू मात्र दाखल केला जाईल प्रथम यशा माध्यमातून राईट ब्राउंड विकेट बॉलर साठी हा चेंडू पहिले गेलं तर यष्टी रक्षक थँक्यू पहिले गेले तर सेचा जवाचं उद्दिष्ट असेल कशा प्रकारची कामगिरी ती मात्र केली जाईल असणारांनी सरफलाजाच्याकडून गोलंदाजी मार्गवर पार टॅकल झालाय उंचपुरा खेळाडू कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो याकडे लक्ष असेल। प्रत्येक विकेट साठी भूषण भोसले याच्याकडून 200 रुपये कॅश प्राइज ते मात्र प्रत्येक गोलंदाजाला असेल इथे मात्र कोणता मातकरी सर ठरेल तो मात्र याकडे लक्ष असेल। आणि घेतलं पहिला चेंडू हातकाने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला दिशात्मक फटका ते मात्र पाहायला मिळाला। पहिला चेंडू काढून घरून बोलली जाते सरफराजांनी असल्याची जोडी सेंचर जावत मैदान घरून टाकत झाली आहे परंतु अंतिम चेंडू पर्यंत संघर्ष करेल की चेंडू शिल्लक खेळून चांगला जिंकेल याकडे लक्ष असेल। फायर एक्सपर्ट विरुद्ध पॉवर हिटर्स 2023 अंतिम लढत आपण पाहतोय चेंडू जाते डिक्लेरेशन बॉक्सच्या पॉइंटच्या माध्यमातून पहिले तर धावसंख्या आता मात्र पुढे सरसवते जाऊन पोहोचेल दोन आठ्यावर दोन्ही फलंदाज पाहिले गेले तर आतापर्यंत एक एक गोलंदाजी करायची ती पार्थ याला आपल्या संघाला निर्धाव चेंडू यश मिळून द्यायचा त्याने खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र पंचाचा वाईट होता इशारा या दोन धावांनी चेंडू वारंवार डोके मात्र फायर एक्सपर्ट सगळा चॅनल ज्या पद्धतीने त्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक आताच्या विकेट साठी आलेला आहे शिल्लकर साठी धन्यवाद। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी जिस तरीके से गौरव सूद ने बल्लेबाजी की थी से बाहर थी जी हाँ इशारा रहेगा वाइड का या ठिकाणी जो गोलंदाज जॉन्टीची विकेट काढेल त्याला संकेत सरकार यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर झालेला आहे।
तो जरूर जानते हैं इस विकेट का क्या महत्व है। हल्के हाथ उसे खेल रहे जॉर्डी एक नंबर इससे बल्लेबाज है जो इस ग्रुप की नैया को पार कराएंगे। ये ग्रैंड फिनाले मुकाबले के दरमियान अच्छा खेल करने के लिए जरूर सज रहे। 7 रन बने हैं पीछा कर रही है। इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों टीम उनको पता है जिस तरीके से यहाँ पर खेल कर रहा है हिटर्स के पास अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन जॉर्डी एक मात्र भरोसे के खिलाड़ी है जो यहाँ से अच्छी पारी सजा सकते हैं। हल्के हाथों से खेला है निकल क्षेत्र में जाएगी गेंद। 8 रन बने हैं और पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ है। 8 रन बने हैं। राजेश गोलंद दिमाग में दाखिल झाला आहे। माझ्या गेलं तर वैयक्तिक पहिले सांगितलं दुसरे षटक पहिल्या षटकाचे खेळले तर 8 धावा आपण जरूर पाहिलेत। विजयासाठी धावसंख्या आवश्यकता असते ती मात्र उनको पता है की पूरी जिम्मेदारी लेकर यहाँ पर खेल करके 11 रन बने और फिर से इस समय गेंदबाजी के लिए सज्ज होंगे। राजेश नुकसान नहीं। दूसरा ओवर है, समय बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे और थोड़ा सा समय लेने के बाद से होने के बाद यहाँ पर जो चौकी है जड़े का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत फिट कर दे। राजेश ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया, मात्र 11 रनों पर इस ओवर में अब तक 4 के ऊपर 3 रन खर्च किए। पहली गेंद पर 2 रन जरूर बने थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जकड़ कर रखा है वो कहीं तारीफ है और एक रन कॉल कर पूरा करते हुए इस एक रन के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों और 34 रन बनाने प्रथमेश इस मुकाबले को जीतने के लिए। और शायद ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने की आशंका है। तो देखा जाए तो अब तक रन संख्या बनी 12 रन। राजेश शूट की अगली गेंद साकिब को रहेंगे। साकिब हल्के हाथों से यहाँ पर खेला था लेकिन गेंद निकले क्षेत्र में जाते हुए 1 रन के लिए 3 रन बनते हुए मैच का हाल क्या होगा अभी तक थोड़ा सा कामगिरी चाहिए। खाली झालेलं पाहायला मिळते। 5 वैयक्तिक दुसरा सांघिक तिसरे षटक आता अलकाकडे खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो। स्वर्णिम रिझन मध्ये धावसंख्या पाहिजे तिथे जाऊन पोहोचेल। आता मात्र 14 या आकड्यावर 14 धावा जरूर स्कोर कार्डवर लावण्यात जाते त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा मोठा पटला नाहीये। 1-2 धावांवर ते मात्र समाधानात गेले, परंतु ही भागीदारी लवकर लवकर जर फोडली गेली नाही तर कुठेतरी वरच ठरू शकतो। पॉवर हिटर संघ तीच कामगिरी इथे मात्र दोन्ही पदांच्या माध्यमातून केली जाते। 1-1 धावेवर समाधान मानले जाते। कोणत्या प्रकारचा निर्धाव चेंडू इथे मात्र जास्त काय खेळला जात नाहीये। एका दुसरा निर्धाव चेंडू खेळला जाते त्यानं कुठे फरक मोठा पडणार नाहीये। तो मात्र पॉवर हिटर संघाला असल्याने त्यांना मोठी कामगिरी करण्याची क्षमता आहे। प्रयत्न जरूर जाणवतो अशा पिकाच्याकडून बॅटची कडा घेतली। यष्टीरक्षक चुकला पाहिजे तर 1 धाव मिळाले। एकाने धावेदेशी धावसंख्या आतापर्यंत 16 धावा स्कोर काढून जरूर पाहायला मिळते। 5 पुन्हा एकदा हलका त्याचा खेळण्याचा प्रयत्न दिशा काम केलं गेलं। एका धावेदेशी संघाच्या खात्यात डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धाव मिळाली। धावसंख्या पाहिली तर 17 धावा आतापर्यंत। आता कोणत्या संघाला खतरा असेल याकडे लक्ष असेल। चांगली गोलंदाजी अचूक टप्पा भेदक मार आहे ते मात्र पाहायला मिळतोय। तो मात्र 5 याच्याकडून राईट ग्राउंड विकेट गुणसाठी 5 सज्जाचं हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न। पायावर चेंडू आदळला आहे तो प्रत्यर्ष चापे चेंडूला घ्यायला तर धावसंख्येत 1 नंबर पडली। धावसंख्या 18 या आकड्यावर आतापर्यंत पाहायला मिळते। विजयासाठी पाहिली तर अजूनही धावांची गरज असेल। 28 धावा कशा प्रकारे पूर्ण केल्या जातील याकडे लक्ष असेल। निर्धाव चेंडू टाकले जात आहे तेवढी चांगली कामगिरी फलंदाजाच्या माध्यमातून केली जाते। हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न 9 बॉलचा इशारा पंचाच्या माध्यमातून केला गेला। अतिरिक्त चेंडू वारंवार डोकेदुखी ठरले ते मात्र प्रत्येक संघाला आणि याही सामन्यामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला आहे। पावसाच्या दिशेला आहे ते मात्र यष्टीरक्षक पोहोचल्या आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 20 धावा। राजेश दुसरा एका पुन्हा एकदा चौकशतका जाण्यासाठी टाकत झाले। 18 चेंडू आणि धावांची गरज असेल पाहिजे ते तर 26 काय म्हणायचं सर। जरूर 18 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। एक नाजुक मोड पर इंटरेस्टिंग मोड पर मुकाबला आकर रुका है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है जॉन्टी पारी से जा रहे काबिले तारीफ है। जो भरोसा दिखाया उनके ओनर ने उस भरोसे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी पारी अगर खेलते चले जाएंगे तो शायद ही इस मैच को फिनिश करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। हल्के हाथों से खेल रहा है, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। डॉट गिर आते हुए रन संख्या अभी भी रुकी हुई 21 रनों पर और 25 रनों की जरूरत है। छापा और प्रगति पथ पर है। आगे आकर और इसे एक रन की 22 रन बनते हुए 4 ओवर प्रगति पथ पर है। और सदन यहाँ पर करते हुए जिस तरीके से डाइव लगाते हुए गेंद को रोका है। फिर से एक बार कहना चाहूंगा जब तक जॉन्टी बीच मैदान में पलड़ा भारी रहेगा यहाँ पर देखा जाए तो पावर सीटर टीम का। फिर से एक बार इस समय देखा जाए तो
राजेश गेंदबाजी के लिए और इस समय इशारा आएगा टिकलर का एक रन का और इस एक रन के साथ रन संख्या बदल गई थी। कहीं ना कहीं पैर में छोटी भी गेंद टिकलर क्षेत्र में चली गई थी, अगर थोड़ी सी 19-20 होती तो शायद और एक रन जुड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जॉन्टी ने बताया कि नहीं पैर से गेंद चौथी भी चली गई है, इसका मतलब साफ है कि एक ही रन आपके स्कोर बोर्ड में जुड़ेगा। राजेश किशोर की अगली गेंद लेकर फिर से शूट कर रहा है लेकिन टिकलर क्षेत्र में जाता हुआ एक रन के लिए रन संख्या बदल गई 24 रन और 22 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। यह फाइनल का मुकाबला है, ग्रैंड फिनाले है और इसको जीतने के लिए एक रन का बचे हुए गेंदों को अच्छी तरीके से करना होगा, दूसरी ओर जॉन्टी को उस रन को बनाना होगा। हल्के हाथों से गेंद आए बड़ी आसानी के साथ एक रन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक रन के साथ रन संख्या बदल गई 25 रन अब जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों। 12 गेंद है तो मंच के ऊपर से एक बोतल फेंकी गई थी, सचिन सालके ने बहुत ही अच्छा कैच लपका था और हमारे स्कोर दो सीट के उसे उनको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। काफी ज्यादा बाहर है और वाइट का इशारा आता है इस समय अगर देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं इस समय अब और एक रन जुड़ता हुआ फिर से एक बार कर कहीं ना कहीं मांग रहे थे कि बाहर चली गई लेकिन नहीं, इस समय ये जो सुरक्षित जाना भी यहाँ पर खाली नहीं होगा, लेकिन जल ही जीवन है मेरे दोस्तों और इसी जल को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ने प्रयास किया और अच्छा कैच लपका। मैं कहूंगा ऐसे खिलाड़ी मैदान के अंदर होना चाहिए लेकिन अपनी कमेटी को सपोर्ट कर रहे बाहर से बहुत ही अच्छा कार्य निभाते हुए होना भी चाहिए दोस्तों। वेलफ्रेंड इस बार आगे आकर खेला था एक रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करेंगे, इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 27 रन, जीतने के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत रही है। मैच बहुत ही जबरदस्त बोर्ड पर आया है, अभी नहीं कह सकते कौन सी टीम इस ग्रैंड फिनाले को अपने नाम करेगी। एक तरफ अगर देखा जाए तो पावर हीटर्स के पावर हीटर बीच में डाल के चाटी है जिन्होंने इसे कई बार कानों में किया अपने बल्लेबाज में। थैंक यू सो मच, 31 रन बने हैं, 15 रनों की जरूरत है, आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्त, 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए 15 रन है। इस चौके ने कहीं ना कहीं मैच में वापस लाया है, इस समय देखा जाए तो पावर हीटर टीम को, जैसे ही मैंने कहा था पावर सीजर्स के पास पावर हीटर मौजूद है तो यहाँ पर जॉन्टी ने चौका जैसे मैंने साबित किया कि मैं इस टीम का लंबी रेस का घोड़ा हूँ, मैं इस टीम का पावर हीटर हूँ। जी हाँ, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों में हमें फुसूर फुसूर चल रही है, बातें चल रही है, कहीं ना कहीं भीड़ भी लगेगी कि क्या होगा इस मैच का। और फिर से एक बार फिर तो कबड्डी इस्तेमाल लगेगी क्या होगा रुपेश राणे साठी संकेत भाई कृपया जो 500 रुपए तो बदल सिला देना है, धन्यवाद। और संकेत कल के सामने इनाम रखा था जॉन्टी के विकेट के लिए 500 रुपए का, वो भी इनाम यहाँ पर आएगा। इस समय जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी चलते हुए पावर सीटर की ओर से, इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों नजर बदलो, नजारे बदलेंगे, कश्ती बदलो, किनारे बदल जाएंगे, हौसला रखो, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अलग रिजल्ट मिल जाएंगे। शक्त नहीं है पर तो गोलंदाजी से बाहर को और मैच पर रत्नागिरी प्रतीक हासिल 6 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शक सुपर ओवर का मुकाबला, अगर सुपर ओवर है तो मुझे लगता है गुड़गा वहां पर काम देगा और यहां पर ट्रॉफी उठाई जाएगी और वही यहां पर करना चाहिए। 6 गेंदें 10 रनों की जरूरत है, क्या बल्लेबाज कर दो का इस्तेमाल, प्रेशर बल्लेबाज के सर के ऊपर भी है, गेंदबाज के सर के ऊपर भी है। प्रतीक गुड मैच रत्नागिरी पहली गेंद तैयार किया था, खेला है गेंद जाती हुई टिकले क्षेत्र में, इस समय रोक लिया गया एक रन मुकम्मल करते हुए एक रन के साथ रन से 5 क्रमांक 1 था मैन ऑफ द मैच जन सामना 1 आधी फिर होता तो विराज या सामन्यामध्ये कशी कामगिरी मुझे लगता है ये तो सुपर से भी ऊपर वाला मुकाबला है। अगर यहाँ पर इन्होंने ये मैच जिताया तो शायद ही ऐसा रहेगा कि एक बिग फिनिशर बन जाएंगे और ये अंडरआर्म क्रिकेट के हार्दिक पांड्या भी बनेंगे और उसी तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है, लेकिन सामने वाले प्रतीक भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए अभी भी देखा जाए तो मेरे दोस्तों 38 रन बने, 8 रन चाहिए आने वाले 5 गेंदों पर, देखना होगा। जीतने के लिए अभी भी चाहिए 7 रन, कितने गेंदे हैं 5, जीतने के लिए 7 रन, 5 जीत ना हो, ग्रैंड फिनाले हो तो ऐसा हो, प्रतियोगिता हो तो ऐसी हो, क्राउड हो तो ऐसा हो और कमेंटेटर हो तो बदले जैसा हो, क्योंकि जीतने के लिए अब चाहिए 5 गेंदे
होती हुई ठंड के अंदर बढ़ा देने वाला मुकाबला है। रनों का इस्तेमाल किया, एक रन यहाँ पर दोनों में कदर करेंगे, दूसरी की तरह यहाँ पर करना चाहते हैं लेकिन एक ही पर्सन दूसरे के इस एक रन के साथ रन से बड़ी है 40। चार गेंदे जीतने के लिए छह, चार चंडो सहादावा जरूर मेरे दोस्तों इस मुकाबले की चर्चा आने वाले समय में प्रदर्श की जाएगी, बारी बारी से की जाएगी। प्रतियोगिता का पूरा श्रेय जाता है विनंती करतो एनएचडी च्या कमिटी साठी जोरदार वेळोवेळी मी सांगत असतो, वेळोवेळी आम्हाला देखील शाळेत कुठच्याही क्षेत्रामध्ये जा, परंतु